अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऑनलाइन इकरा माज़ हफ्ज़ा टाइम टेबल और निसाब को बैठा आप लोग देख लीजिए और उसको नोट कर लीजिएगा। इसी टाइम टेबल के हिसाब से आपको रोज़ाना वीडियो जो है मिलती रहेंगी। और आप लोगों ने निसाब के बारे में पूछा था तो आप देख लीजिए, क्लास वाइज मैंने निसाब बना लिया, डिज़ाइन कर लिया। ये किताबें आप ख़रीद लीजिए, ठीक है। ख़ुसूसन जिस किताब के साथ कोई मुसन्निफ़ का नाम दिया गया है तो आपने वही किताबें लेनी हैं, कोई और किताब उस मुसन्निफ़ के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं लेनी, ठीक है। आप देखती रहिएगा और नोट करती रहें। नाइन्थ माहत का टाइम टेबल देख लीजिए, मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। आपके हफ्ते में ये 6 मेजर सब्जेक्ट्स के पीरियड हुआ करेंगे, तो पूरे जो है वीकली जो है आपका तफसीर का पीरियड हदीस, इल्म सर्फ, इल्म नहु, तरीका सरिया का होगा, और ख़ुलासा तजवीद का आपका हफ्ते में 3 दिन आपका पीरियड हुआ करेगा। 10th क्लास माहद अपना टाइम टेबल देख लीजिए। हिदायत नहु के आपके हर दिन जो है आपका की क्लास हुआ करेगी, ऑनलाइन इल्म सरिया की डेली क्लास हुआ करेगी, खुदूरी तफसीर डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, जबकि सुरु शाशी सिर्फ जुम्मे तक आपकी क्लासेस होंगी इसकी, ठीक है। ये आप मुलाहिज़ा फरमा लीजिए और इसी हिसाब से आप रोज़ाना किताबें लेकर अच्छी तरह मुताला करके बैठ के पढ़ा करें। एफ़ ए पार्ट 1 यानी आलिया अव्वल अपना माहद का टाइम टेबल देख लीजिए। तफसीर का पीरियड आपका रोज़ाना हुआ करेगा, रियाज़ सालहीन यानी हदीस का पीरियड भी रोज़ाना हुआ करेगा, खुदूरी का पीरियड रोज़ाना हुआ करेगा, नूरुल अनवार सिर्फ 4 दिन आपके पीरियड होंगे, अकीदे तहाविया भी आपके 6 दिन क्लासेस होंगी, दुरूसुल बलागा सिर्फ 4 दिन पढ़ेंगी, मुख्तारात 6 दिन पढ़ेंगी, सिराजी भी 6 दिन पढ़ेंगी। इसलिए रोज़ाना के हिसाब से आप इस टाइम टेबल को मद्देनज़र रखिए और मुताला कीजिए और बैठ के अच्छी तरह इसको पढ़ें, याद करें। एफ़ ए पार्ट 2 आलिया दोम आप ये मेजर 5 सब्जेक्ट्स अभी ऑनलाइन पढ़ेंगी, तो तफसीर मिश्कात अव्वल, मिश्कात दोम, हिदाया अव्वल और शरा अकायद का रोज़ाना के हिसाब से आपकी का दर्स हुआ करेगा, क्लास हुआ करेगी। इसलिए रोज़ाना इसका मुताला रखिए, तैयारी करके जो है आप क्लास लिया करें, बग़ैर मुताले मत बैठा करें। बीए पार्ट 1 एंड बीए पार्ट 2 माहद की क्लासेस आप देख लीजिए। आलमिया अव्वल इंतहाई अहम तरीन साल है आपका पढ़ाई के लिहाज से, माहद की पढ़ाई के लिहाज से, इसलिए इसको अभी से संजीदगी से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी आपका जो है आखिरी निसाब चल रहा है इलम का, तो इसमें जो है भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। मुताला किए बग़ैर आपने हरगिज़ क्लास नहीं लेनी और रोज़ाना के हिसाब से आप मुलाहिज़ा फरमाइए। ये अपना टाइम टेबल तफसीर जलालैन के आपके हफ़्ते में 5 पीरियड हुआ करेंगे, सुनन अबी दाऊद जिल्द अव्वल 6 पीरियड हुआ करेंगे, तहावी शरीफ यानी शरा मानी आसार भी इस किताब को बोलते हैं और तहावी शरीफ दोनों एक ही चीज़ है। इसकी आपको कि रोज़ाना के हिसाब से जो है आपकी क्लास होगी। हिदायत जिल्दों की रोज़ाना क्लास होगी, जामे तिरमिज़ी जिल्दों की रोज़ाना क्लास होगी, जबकि मुस्तल हदीस यानी तैसीरुल मुस्तल हदीस की 4 क्लासेस होंगी रोज़ा हफ्ते में। तो बग़ैर मुताले जो है क्लास में नहीं बैठना, मुताला बहुत ज़रूरी है, तैयारी कर लीजिए और अच्छी तरह पढ़ लीजिए वक्त को ज़ाया किए बग़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।